नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑटोमेटिक बेल मैसेजिंग सिस्टम पे। इस बेल को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, किस टाइम पे क्या बेल बजनी है, वो आज की वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड आउटपुट के लिए पोर्ट है और एम्पलीफायर में सिस्टम मेन सप्लाई के लिए इसमें पोर्ट है। यहाँ से आउटपुट हमने एम्पलीफायर के माइक में लगा दी है। तो इसका जो आगे स्पीकर के लिए वायर है, यहाँ पे एम्पलीफायर के पीछे आप देख सकते हैं कॉम पोर्ट है, और जो भी आपका स्पीकर है वहाँ पे आप इसकी कॉम पोर्ट और 8 ओम 4 ओम के हिसाब से जो भी आपके पास स्पीकर है वो आप इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास स्पीकर है, ये 16 ओम और कॉम पोर्ट में है। कॉम पोर्ट में येलो वायर लगी हुई है और रेड वायर ओम में लगी हुई थी, तो येलो वायर हमने कॉम पोर्ट में और रेड वायर हमने ओम पे लगा दी है। सबसे पहले हम बेल को चेक करेंगे कि किस नंबर पे कौन सी बेल एक्चुअल में है। ये हमने मशीन को ऑन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले आप एस्केप बटन दबाइए, उसके बाद आप डायरेक्ट इसके बेल में चले जाएंगे। ये फाइल नंबर 1 है, इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने से आप सुन पाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे कौन सी बेल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है। फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी आप सुन पाएंगे कि दूसरे नंबर पे कौन सी बेल है। इसी तरह से आप हर एक नंबर को चेक कर सकते हैं कि किस नंबर पे कौन सी बेल है, और उसको आप नोट भी करते रहिए साथ के साथ एक पेज पर, क्योंकि ऐसे आपको इतना सारी बेल याद तो रहेंगी नहीं। जैसे यहाँ पर हम एक पेज पर इसको नोट भी कर लेते हैं साथ के साथ कि 1 नंबर पर बेल कौन सी है, 2 नंबर पर कौन सी है। यहाँ पे 1 नंबर पर है पीरियड नंबर 1, और जो 2 नंबर पे है पीरियड नंबर 2 की थी, 3 नंबर पे पीरियड नंबर 3 की, 4 पे पीरियड नंबर 4 की, और इसी तरह से आप हर बेल को चेक करके एक पेज पे सभी डिटेल लिख लीजिए, क्योंकि सेटिंग करते टाइम आपको इन सभी बेल के नेम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 नंबर पे 5th पीरियड की बेल थी, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे पीरियड नंबर 6 की बेल थी। हर एक बेल आपको चेक करनी पड़ेगी ताकि आप कोई भी रोंग बेल किसी टाइमिंग पे ना लगा दें। यहाँ पे 7 नंबर पे पीरियड नंबर 7th की बेल थी, 8 नंबर पे पीरियड नंबर 8 की बेल है, 1 स्कूल के जो भी बेल मैसेजिंग सिस्टम होता है उसमें ऑलमोस्ट 12 से 14 बेल होती हैं, असेंबली से लेके डिपार्चर तक। उसके बीच में रिसेस भी होती है, लंच ब्रेक भी होता है। तो इन सब में आप इन सब बेल को चेक करके एक पेज पे नोट कर सकते हैं। और ये बेल इस मशीन के साथ एक मेमोरी कार्ड आता है, उसमें साथ ही रिकॉर्डेड आपको मिलती है। ये 10 नंबर पे असेंबली स्टार्ट की बेल थी, हमने लिख लिया। 11 नंबर पे लंच ब्रेक की बेल है, 12 नंबर पे यहाँ पे डिपार्चर की बेल है, 13 नंबर पे नॉर्मल जो रिंग बेल होती है वो बेल है, 13 नंबर को आप जैसे रिसेस एंड करने के लिए या फ्रूट ब्रेक स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, 14 नंबर पे गोंग बेल है, जो पुरानी ओल्ड बेल जैसे स्कूल्स में बजती थी उस तरह की बेल है रिकॉर्डेड,
15 नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो पीरियड की बेल है और अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं सेटअप करना। आपके पास अपने स्कूल का जो भी टाइमिंग सेटअप होगा उसके साथ आपने चलना है। आपके पास ये बेल के नेम सभी आ चुके हैं। सबसे पहले आप एंटर प्रोग्रामिंग का बटन दबाइए, जो भी पासवर्ड आप लोगों ने सेट कर रखा है वो डालिए और एंटर प्रोग्रामिंग में जाइए। यहाँ पे आप डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग शेड्यूल हमें करना है, एरो से आप प्रोग्राम शेड्यूल पर जाइए, एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद प्रोग्राम न्यू शेड्यूल, यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे वन के अंदर हमें कितनी बेल चाहिए हैं वो आप अपनी काउंट कर लीजिए। जैसे 14 जो मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे काउंट किया है, हमें 14 बेल हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 14 सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद सबसे पहले टाइमिंग जो स्टार्ट होने वाली टाइमिंग है वो हमने यहाँ पे फिल करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। 8 बजे हमें क्या करना है, असेंबली वाली बेल लगानी है। और जो असेंबली वाली बेल थी हमारी 10 नंबर पे थी, हमने देखा था, तो यहाँ पे फाइल नंबर हम 10 को लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया था 10 पे असेंबली बेल थी, तो यहाँ पे फाइल नंबर 1 है, यहाँ पे हम फाइल नंबर 10 लगा देंगे। फाइल पे जाके हमें एरो से 10 नंबर पे जाना है, एंटर प्रोग्रामिंग। ये पहली बेल लग गई है। अब जो दूसरी बेल जितने बजे भी लगी वो टाइमिंग आपने यहाँ पे सेट करनी है। यहाँ पे जैसे जो मेरे पास एग्जांपल है उसमें 8:30 बजे की टाइमिंग है, तो यहाँ पे हम 8:30 करेंगे। और यहाँ पे फाइल नंबर 1 जो सबसे पहला पीरियड स्टार्ट होगा, इसलिए हमारा पहला पीरियड की बेल थी उस पर फाइल नंबर 1 पर है, तो यहाँ पे हम फाइल नंबर 1 लगाएंगे, एंटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइमिंग है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने 9:10 सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पीरियड नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम फाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो भी आपके पास टाइमिंग है उस वो टाइमिंग आपने पहले सिलेक्ट करनी है, और वो टाइमिंग होते ही कौन सी बेल बजनी चाहिए वो आपने यहाँ पे फाइल में जाके सिलेक्ट करते रहना। जैसे यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट बेल है वो फाइल नंबर 3 बजेगी, तो हम यहाँ पे फाइल नंबर 3 कर देंगे क्योंकि पीरियड नंबर 3 यहाँ पे स्टार्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे जैसे हमारा एक बीच में ब्रेक है, लिटिल ब्रेक, तो हमने वहाँ पे नॉर्मल एक बेल सेट कर दी, और ये ब्रेक जब एंड होगा, 10 मिनट का ब्रेक है, तो ये 10 मिनट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और उस ब्रेक को एंड करने के लिए भी हम एक अलग से बेल लगा देंगे। जैसे कि गोंग बेल हमने वहाँ पे लिखा था कितने नंबर पर है, यहाँ पे 14 नंबर पे गोंग बेल थी, तो यहाँ पे हम 14 नंबर बेल सिलेक्ट कर देंगे। ये बेल उस ब्रेक को एंड करने के लिए थी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पीरियड की टाइमिंग सेट करेंगे, जैसे 10 बजे है, कौन सा पीरियड लगेगा, पीरियड नंबर 3, तो यहाँ पे हम फाइल नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट टाइमिंग सिलेक्ट करनी है, और टाइमिंग के साथ साथ जो भी फाइल, जो भी बेल उस टाइम हमें सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट जो है 4th पीरियड है, तो यहाँ पे हम फाइल नंबर 4 सिलेक्ट कर देंगे।
इस पेज से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हमें लंच ब्रेक सेट करना है। लंच ब्रेक के लिए फाइल नंबर 11 थी रिसेस के लिए, तो हमने यहाँ पे फाइल नंबर 11 लगा दी। और लंच ब्रेक एंड करने के लिए भी आप फाइल लगा सकते हैं। उसके लिए हमने जैसे टाइमिंग सेट की कि कितनी देर बाद वो लंच ब्रेक या रिसेस एंड होनी चाहिए, तो उसके लिए है 60 नंबर फाइल, जिससे लंच ब्रेक एंड करने की जो फाइल है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड की फाइल, जितने भी फाइल्स आप यहाँ पे सेट करेंगे ये ऑटोमेटिक ही अपने अपने टाइमिंग पे बोलती रहेंगी, और कोई भी पीरियड 1 या 2 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, 5 मिनट पहले, ये वाली जो प्रॉब्लम है जो मैनुअल बेल में आती है वो इसमें नहीं आती। और क्योंकि एम्पलीफायर से कनेक्ट है तो आप जिस भी कमरे तक चाहें, बिल्डिंग में जहां पर भी चाहें, इसकी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे अब हम डिपार्चर की फाइल सेट करेंगे। ये 12 नंबर फाइल थी, तो यहाँ पे हमने 12 नंबर सिलेक्ट कर दिया। अब सभी फाइल उनकी टाइमिंग के आधार पे सेट हो चुकी हैं। आप एक बार चाहे तो इस सब को चेक कर सकते हैं, जैसे शुरू से लेके एंड तक आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि सभी फाइल्स उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है। उसके बाद इस मशीन में आपको यही टाइम टेबल दूसरे जो इसमें और टाइम टेबल भी हैं उनमें कॉपी करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको एक बार बना के सेट कर देंगे तो फिर नेक्स्ट डे कोई दूसरा टाइम टेबल यहाँ पे ऑटोमेटिक बजने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉपी शेड्यूल में जाना है और P1 को P2 में हमने पेस्ट करना है। यहाँ पे अब P1 को P3 में पेस्ट करना है। इस तरह से P1 को जितने भी यहाँ पे आगे टाइम टेबल ऑटोमेटिक इसमें आपको बने मिलेंगे उन सब में इनको पेस्ट करना है, ताकि हमारा सेट किया हुआ टाइम टेबल सिर्फ एक दिन सही ना बजे, ये हर रोज़ जो भी हमने सेटिंग की है उसी हिसाब से बजे जब तक कि हमारा यही टाइम टेबल चलेगा। ये आप देख सकते हैं मशीन का जो मॉडल है UB501 है। आप इसको इंटरनेट से सर्च करके भी मंगवा सकते हैं अगर आपको इसकी नीड है। आप इसे हर टाइम टेबल में, इसमें 24 टाइम टेबल है, 20 तक हम इसको पेस्ट कर चुके हैं। अब ये बेल यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको फिर भी इसको सेट करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।